सभी मित्रों को नमस्कार। तो कैसे हैं, उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे। मैं दीप पाठक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। तो यार बैकग्राउंड देख करके आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अभी मैं घर गया हूँ और जा रहा हूँ अभी खेत में, मंगनी में, मतलब घास वास काटने के लिए। तो कब्बू और मम्मी लोग, चाची भी आई आजकल हल्द्वानी से। कब्बू मम्मी और चाची तो पहले चले गए थे मॉर्निंग पे। मैं अभी बैरनाग से आया तो अभी उनके लिए अब चाय वाय लेकर के जा रहा हूँ। ये असोज का महीना है, तो यार पहाड़ों में असोज के महीने में काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। एक तरफ तो बड़ी बड़ी घास होती है, उसको काटना होता है, गाय बच्चों के लिए चारा बनाना होता है, और दूसरा धान वगैरह होते हैं तो खेती वगैरह का। तो हमारा जो अभी है वो घास काटने वाला प्रोग्राम है आज का। देखते हैं आगे खेत में जाकर, नीचे मांगे में जा करके कितना घास वगैरह काट रखा है और कैसे कैसे काम किया जा रहा है। तो आप लोग बने रहिए अंत तक। इस साइड को सब काट रखा है और हरे हरे छोटी छोटी और घास उग रही है इसमें भी। वो वहाँ देख रहे हैं मम्मी लोग, वो सामने उधर काट रहे हैं, ऊपर उतना काट दिया हो, काट के सुखाने के लिए डाल रखा है ये। तो यार ये सामने है गदेरा। गदेरा ये छोटा सा रूप होता है और इसके बाद फिर जो थोड़ा सा बड़ा रूप होता है वो गाड़ में आ जाती है। कुछ समय पहले एक एग्ज़ाम था तो वहाँ पर उत्तराखंड से एक क्वेश्चन आया था कि गाढ़, गदेरा और नदी, समुद्र, इसको एक सीक्वेंस पे अरेंज करना था, यानी कि जो सबसे पहले है फिर बाद में, फिर बाद में, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। तो यार सबसे पहले होता है गदेरा, फिर उसके बाद आता है गाढ़, फिर उसके बाद नदी, फिर समुद्र। तो एक क्वेश्चन इस टाइप के भी बनते हैं, मतलब हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में। ओ ताई नमस्कार। ओए को वीडियो ले बढ़ने थाड़ थाड़े कितनी स्पीड में काट रहे हैं, देखो दना दन लगे हैं ये। वो है चाची हमारी। कब आई चाची? चाची को आए आज कितने दिन हो गए? एक तारीख को आ गई थी, आज कितने 5-6 तारीख हो गई है, और एक तारीख से आकर के डेली घास काटने में ये। तो ताई ने पूरा अपना गडेला बांध दिया, ये जो सूखी घास है ना पूरा ये कर दिया। और ताई कतो है रो तुम्हारा काम धंधे चलन? काम धंधे मणि मणि है रो, आज भी काटने। अच्छा आज छन है? आज ही दूध दे काटा कतो दिलुड़ा चाटन हन यार। नारे मतलब गांव घरों में ना यार लोग कोई भी खाली नहीं रहता है, लगे रहते हैं दिन भर काम में। क्या कहते हैं इसको? गलपत काट रही है। गलपत इतना बड़ा बड़ा और रखे। यहाँ पे पानी का स्रोत है एक, तो वहाँ से पानी भर के लाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि स्रोत कैसे होते हैं। ऐसे मांगे वगैरह में ना पानी है यहाँ इसके नीचे जड़ में। तो यहाँ जाने के लिए मेरे को यहाँ से जाना है, यहाँ से अंदर से ना रास्ता सा बनाई, गुफा जैसी बनी है, देखो ये यहाँ से जाते हैं अब अंदर। राम फिसलन भी हो रखी है, मिट्टी है ना उसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, कीचड़ जैसा है, पैर फिसल भी सकता है यहाँ पे। ये देखो यार ये है, ये आया यहाँ पे पानी है। ये वाइट वाइट जैसा जो दिख रहा ना, ये जड़ें हैं, ये जो घास है यहाँ पे अलग अलग टाइप की, अलग अलग वैरायटी की घास है, तो उसकी जड़ें हैं। और ये पानी जो आ रहा है पूरा ज़मीन से आ रहा है, नीचे अंडर से, अंडरग्राउंड वाटर है। तो इसमें इसको भर के ले जाते हैं अब। यहाँ से पानी भर लिया मैंने इस पर अभी, ये और अब यहाँ से निकलते हैं बाहर। तो इनके लिए भी पहले तो पानी वगैरह पी रहे हैं और उसके बाद चाय। मेरे को भी दे रखी है चाय इसमें। खेतों में काफ़ी मज़ा आता है यार, चाय पीने में, खाने में, काम करने में। अपना कर नहीं रहे काम करने में मज़ा आता है। ये रहा बिस्किट। और क्यों वाली में कस लागण घर है पहाड़ में? हल्दन फल लागिए घर में। हल्दन फल ये घर में बेल चाची को घर अच्छा लग रहा है, क्यों कारण? मट्ठा मिल रहा है घर में इसको खाने के लिए, मट्ठा मिल रहा है, दूध मिल रही है, ककड़ी मिल रही है, दही मिल रही है, कद्दू साग खाने, लौकी साग खाने, गाबर साग,
हल्द्वानी पसंद नहीं आ रहा चाची को, अब घर ही आ जा तू भी। साल में वादे करती है, इसने पिछले बार बोला मैं भैंस पालूंगी, तुम गाय भैंस ही बेच दी। तुम्हारी गलती है, अभी मेरी गलती है तो आई नहीं अब्बा फिर तू मुझे पहले। चाय और बिस्किट ना बहुत ही मजेदार हो रहे हैं। हल्की हल्की छाया आई रहती है पेड़ों के नीचे ना, आराम से सो जाओ, इतनी अच्छी नींद आती है, वाह मज़ा आ जाता है जब थकान लगी रहती ना। मौसम सही है आजकल, काफ़ी तेज वाली धूप है और इस साइड को कितना प्यारा लग रहा है। और जो सामने बड़े बड़े पेड़ हैं ये है उतीस के पेड़, और इस साइड को फिर हैं बांस के पेड़, काफ़ी बड़े बड़े हैं यार ये देखो कितने विशाल का पेड़ है यहाँ। मेरे लिए यहाँ पे घास बांधी जा रही है और इसको लेकर के मैंने अब घर को जाना है। इतना ज़्यादा बांध दिया कब्बू ने आज ही मेरे लिए, अब यार ले जा पाऊँगा नहीं ले जा पाऊँगा मैं, इतना ही ना ले जा कह रहे वो बात है टाइट से। अरे ऐसे रख दिए पूरा, इधर उधर जा रहे भाई ये। तो दद्दा जाने लग गया घास की फच्ची लेके घर, और ये हमारा कल्लुआ भी आ गया यहाँ। ये ए क्यों आया तू इधर? ऐसे करके बांध लिया मैंने इसको भी और सिर में लगा दिया कंधे में। एक तो हम कंधे में भी लगा सकते हैं ऐसे करके, लेकिन कंधे में ले जाने में ना जो ये रस्सी होती है यहाँ पूरे डोरे जैसे बन जाते हैं इसके, और काफ़ी दर्द होती है, और ऐसे ले जाने में काफ़ी ईजी होता है, मेरे को कम्फर्टेबल ऐसे लगता है तो मैं इसको ऐसे ले जाता हूँ। मम्मी और कब्बू जा रहे हैं अब दूसरे वाले मांगने में, वहाँ बांधना है। मैं इसको पहुँचा के ना दोबारा और आऊँगा, एक बार और ले जाना है मैंने अभी। बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है यार, पसीना हो रहा है और भारी भी हो रहा है भाई। और ये पीछे पीछे भाग करके नीचे आ गया था, अब इसको भी ले जाना है घर को, नहीं तो ना ये चल देगा कहीं इधर उधर। चल कर एक राउंड में पहुंचा के आ गया, और उसके बाद अभी दूसरे राउंड के लिए ना जो भारी वगैरह है वो सारी बांध दी हमने तीनों के लिए, मम्मी के लिए भी, मेरे लिए भी और कप्पू के लिए भी। अब यहाँ से जाना है ये चढ़ाई में ऊपर, धारा है धार लागण हूँ भाई बट कर रहता। मम्मी के सर में सिर होने लगने से मुर्गी का मकूट जो बड़ा है यार ये लिया। अब इसको कप्पू उठाएगी पीछे से, सपोर्ट देगी देखो भाई सपोर्ट के लिए। और मम्मी की बारी लग चुकी है, और मम्मी चल दी अब घर को, अब कब्बू के लिए, कब्बू ले जाएगी सिर में और कब्बू का उठाते हैं। ये लो भाई कब्बू का भी उठा दिया, ये तो हल्का रह रखा यार, एक हाथ उठाया मेरे लिए और ये बांधा है मेरे लिए। मैं भी इसको ना सिर पे लगा के ले जाऊंगा, कंधे में ले जाने में दिक्कत हो जाएगी, मतलब दर्द टाइप की हो जाती है, और सिर पे ना कंफर्टेबल होता है, अच्छा रहता है मतलब। यार जोर लगा के तो अब चलते हैं फिर, हल्के हल्के करके यहाँ से चढ़ाई है, चढ़ाई में चलना है अब यार, इतनी खड़ी चढ़ाई हो रही है और इसमें ले जाना है, आफत आ जा रही है यार यहाँ से ले जाने में। हाय हालत ख़राब हो गई यार, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीना पसीना इतना ज़्यादा हो जा रहा है, हालत ख़राब हो गई एक दो राउंड में ही। ये लोग पता नहीं कैसे ला रहे होंगे यार इतने दिनों से ना, तीन चार दिनों से कर रहे हैं, काटना भी है बांधना भी है। 20 दिन हो गए, 20 दिन 20 से ज़्यादा ही जो हो गए, मतलब पूरा असोज का मेहना कहते हैं ना यार, बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त का रहता है, पहाड़ में काम ही काम रहता है, घास काटना होता है, बांधना होता है, फिर उसको लाना होता है, और साथ में भी धान होते हैं, फसलें वहीं रहती हैं है ना, तो उनको काटना, उनको इकट्ठा करना, बहुत ही ज़्यादा, और ऊपर से धूप रहती है काफ़ी तेज़ वाली,
बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है यार, बहुत ही मुश्किल रहता है काम वाम करना। तो अभी हमने थोड़ा सा रेस्ट किया यहाँ पे, तो अब वीडियो भी काफ़ी लंबी बनती जा रही है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे आप लोगों से ऐसी वीडियोज़ के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।